पायलट के टोंक दौरे पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। सचिन पायलट का विरोधियों पर इस दौरान हमला भी देखने को मिला। टोंक में नेताओं के दौरे को लेकर के तंज कसा, कहा कि किसी को गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए, हमारा आपका रिश्ता अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले दिन धर्मेंद्र राठौड़ भी टोंक के दौरे पर आए थे, टोंक से चुनाव लड़ने का ऐलान AIMIM कर चुकी है। पायलट के टोंक दौरे के दौरान बड़ा बयान उन्होंने दिया, क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नौजवानों की बात नहीं छोड़ेंगे। टोंक के दौरे पर थे सचिन पायलट और उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए बात रखते रहेंगे, बात नहीं रखेंगे तो नौजवानों की उम्मीद खत्म हो जाएगी। और चाहे कुछ हो जाए तो आपको कुछ नहीं कर सकते। अब अभी ये चुनावी साल है, बहुत सारे विजेता भी हमारे हमारा जिला छोड़ता है, अभी दौरे बहुत से चालू हो गए, हाईवे से निकल कर करके सबको आने जा रहे हैं, लेकिन किसी गलतफहमी को इसको पालनी नहीं चाहिए, हमारा आपका अपना अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। आपको कितनी दिक्कत हम पहले भी मिले थे, टोंक के दौरे पर रहे सचिन पायलट और इस दौरान नौजवानों को लेकर के सचिन पायलट ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बात को नहीं छोड़ेंगे। टोंक के दौरे पर सचिन पायलट ने नौजवानों के लिए बात उन्होंने कहा कि रखते रहेंगे, बात नहीं रखेंगे तो नौजवानों की उम्मीद खत्म हो जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है, तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है।